शिवपुरी जिले पुरनखेड़ी टोल प्लाजा के पास कार में भरे कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर में रखी 6 कार और एसयूवी जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोलारस पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। ट्रक कंटेनर के ड्राइवर ने बताया कि जब तक उसे पता चलता तब तक आग फैल चुकी थी। जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर को कंटेनर महाराष्ट्र के नासिक से 6 कार भरकर बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना हुआ था। आज सुबह उसने जिले की सीमा में प्रवेश किया था। इसी दौरान शनिवार की सुबह 5 बजे गुना शिवपुरी हाईवे पर बने पुरनखेड़ी टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर पहले ड्राइवर को कंटेनर में आग भड़कने का पता लगा। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले ड्राइवर सावन खान ने बताया कि उनके पीछे से आ रहे एक ट्रक के ड्राइवर ने इशारा करके आग के बारे में बताया। जब उसने कंटेनर को रोका तो उसमें आग भड़की हुई थी। आग की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। ड्राइवर ने कंटेनर में रखे अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सिलेंडर के खत्म होने के बाद पास के होटल से पानी भी डाला। करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। जब तक कंटेनर में रखी 6 कार और एसयूवी जल चुकी थी। बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ड्राइवर सावन खान ने बताया कि कंटेनर में नासिक से 4 स्कॉर्पियो और 2 कार भरकर निकला था। आग कंटेनर के भीतर रखी कार से लगना शुरू हुई थी। घटना में करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोलारस पुलिस ने प्रकरण बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहून खान है सर। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर मैं नासिक से लोड करके आया था, तो पुरनिया बिहार जा रहा था मैं लोड करके। कहाँ पे? बिहार। अच्छा, पुरनिया। अच्छा। क्या गाड़ी में क्या भरा हुआ था, क्या घटना रही? स्कॉर्पियो थी सर, और बाकी अभी आग लगी जो गाड़ी के अंदर, वो पता नहीं मेरे को कैसे आग लगी है। तो बाकी गाड़ी में आग लगी थी पहले स्कॉर्पियो में। कितनी गाड़ी थी इसमें? इसमें 4 स्कॉर्पियो थी, 2 एक्सयूवी थी। अच्छा, तो उसके बाद में फिर ट्रॉली के टायर में आग लगी है, तो फिर पूरी गाड़ी में आग लगी। फिर क्योंकि जो आग बुझाने वाली जो मशीन होती है, तो वो बाद में लेट आई थी 1 घंटा, तो इतने में गाड़ी ने पूरी तरीके से आग पकड़ ली। अच्छा। तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाई आग, तो इस तरीके से सर आग लगी थी गाड़ी में। अच्छा, ये कितनी कितने कितने की गाड़ी होंगी? तो वो सर ने बिल्टी देखी है, तो सर बताएंगे कि कितने की गाड़ी है। आप कहाँ पे लेके जा रहे थे गाड़ी, कहाँ पे खाली होना था? सर ये पुराने खाली होना था गाड़ी। अच्छा, तो कितने लोग थे आप इसमें? मैं अकेला था सर। अकेले थे क्या? जी। अच्छा अच्छा, चलिए। चलती गाड़ी में आग लगी थी सर। हाँ, फिर आपको कैसे मालूम चला कि गाड़ी में आग लग रही? मेरे को ऐसे मालूम चला, मैं अभी होटल से चला था 4:50 पे। कहाँ से? ये पीछे होटल है 15-20 किलोमीटर पीछे। तो वहाँ से 4:50 पे मैं चला था, तो मैंने टायर चेक किए गाड़ी के, और गाड़ी चेक की थी मैंने खिड़की खोल के, फाटक खोल के, तो गाड़ी उस टाइम सेफ थी बिल्कुल। मैं जब रास्ते में चल रहा हूँ तो उससे यानी कि 5:15 के आसपास इसमें आग लग गई। अब ये नहीं बता सकता सर मैं वो आग किस कारण लगी है, कैसे आग लगी है वो। ठीक, तो मैंने पूछा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।